नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 17 अक्टूबर शनिवार दोपहर 1 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। प्रदेश के पीलीभीत में रोडवेज बस और पिकअप गाड़ी में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बस पलट गई। इस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। थाना पूरनपुर के नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। हादसे की सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। घायलों का पीलीभीत के जिला अस्पताल और बरेली में इलाज करवाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बस लखनऊ से पीलीभीत जा रही थी। इस दौरान पूरनपुर थाना क्षेत्र में पिकअप से उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना भीषण था कि बस पलट गई। इस दौरान एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। वे 6 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बस पलटने से कई सवारियां दब गई। उदयपुर जिले के सुखेर इलाके में पिता पुत्र के रिश्तों को शर्मसार करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक बेटी ने अनुकंपा पर सरकारी नौकरी पाने के लिए अपने पिता की हत्या की साजिश रची। इस दौरान उसने अपने दोस्त को भी रुपयों का लालच देकर शामिल कर लिया। आरोपी बेटे ने टीवी सीरियल सावधान इंडिया के एपिसोड को बार बार देख कर हत्या का आइडिया सीखा, लेकिन बेटा और उसका दोस्त कानून के शिकंजे से बच नहीं सके। सुखेर थाना पुलिस ने वारदात का पर्दाफाश कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया की गिरफ्तार मुख्य आरोपी अंकित पालीवाल निवासी नाकोड़ा नगर कालका माता रोड उदयपुर है, जबकि दूसरा आरोपी अंकित का दोस्त निखिल है। आयकर विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। जानकारी के अनुसार 386 IRS के तबादले आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के बाद देश भर में आयकर विभाग पर असर पड़ेगा। CBDT ने शुक्रवार देर रात आदेश जारी कर अतिरिक्त और संयुक्त आयुक्त स्तर के अधिकारियों के तबादले किए हैं। झालावाड़ में प्रवेश द्वारा पर लगे पूर्व सभापति के पोस्टर पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा कालिख पोत दी गई। नगर परिषद सभापति मनीष शुक्ला ने घटना की निंदा की है। इस बाबत पूर्व सभापति ने कहा कि आगामी चुनाव को देखते हुए अज्ञात व्यक्ति द्वारा यह करतूत की गई है। इस बाबत सभापति कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाएंगे। हालांकि समाचार लिखे जाने तक इस बाबत मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। टोंक जिले के देवली में मच्छरों के लार्वा को नष्ट करने की दवा से 2 आशा सहयोगिनी झुलस गई। जानकारी के अनुसार दवा का डिब्बा खोलते ही सहयोगिनियों का चेहरा, हाथ और अन्य अंग झुलस गए। माया और अन्य आशा सहयोगिनी शहर के विभिन्न वार्डों में तैनात थी। ये कीटनाशक दवा चिकित्सा विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी। दोनों ही आशा सहयोगिनियों के साथ एसिड अटैक जैसी घटना हुई है। सिरोही जिले के आबू रोड क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार रिको पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रिको कॉलोनी के आवासीय मकान में छापा मारा गया। पुलिस ने बताया कि मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस की कार्रवाई से फर्जी कॉल सेंटर संचालकों में हड़कंप मच गया। कई फर्जी कॉल सेंटर संचालक भूमिगत हो गए। अजमेर आसव मंडल निबंधक ने तहसीलदार और नायब तहसीलदार के तबादले किए हैं। जानकारी के अनुसार देर रात आसव मंडल ने आदेश जारी करते हुए 58 तहसीलदारों और 112 नायब तहसीलदारों के तबादले किए हैं। गर्भपात में काम ली जाने वाली MTP किट के अवैध कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। औषधि नियंत्रक टीम ने जयपुर और दौसा में कार्रवाई करते हुए करीब 2.25 लाख MTP किट जब्त की है। इनकी कुल कीमत करीब 8,75,00,000 रुपए है। जयपुर के खुटेंटा रेमडीज और दौसा में गोयल मेडिकल एजेंसी पर कार्रवाई की गई है। सामने आया है कि इन दोनों जगहों पर पिछले 2 साल से यह अवैध कारोबार चल रहा था। ड्रग कंट्रोलर राजाराम शर्मा ने बताया कि जयपुर के खुटेंटा रेमडीज अगस्त 2018 से सितंबर 2020 तक एक्मे फॉर्मुलेशन द्वारा निर्मित MPSI इंडिया कंपनी के मार्केटेड की दवाएं बेची जा रही थी। जयपुर सहित दौसा अलवर में इन दवाओं की काफ़ी बिक्री हुई। बुल भी सही नहीं है। दौसा जिले की ग्राम पंचायत कालोखा मुख्यालय पर बरखेड़ा सड़क पर एक नवजात शिशु को झाड़ियों में गिराकर चला गया। नवजात शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर राहगीरों ने इसकी सूचना सदर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने बताया कि शिशु को जिला अस्पताल में ले जाकर भर्ती करवाया। शिशु स्वस्थ है तथा अस्पताल में भर्ती करवाकर बाल संरक्षण के पदाधिकारियों को सौंप दिया गया है। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा थाना पुलिस ने हाईवे पर आगजनी व लूटपाट करने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इन सभी को नेशनल हाईवे 8 पर हथियारों, गोफनों, लट सरियों से सर्जित होकर राजमार्ग को अवरुद्ध कर हिंसक बल प्रयोग करते हुए सरकारी संपत्ति, बैरिकेड्स, गाड़ियों, मकानों, दुकानों में पत्थरबाजी
कर तोड़फोड़, आगजनी, लूटपाट व दंगा फसाद कर भारी नुकसान करने के मामले में गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान प्रेम शंकर, दिनेश, अनिल, अविनाश कुमार, अक्षय कुमार, रंजीत, किशन कुमार के रूप में हुई है। हनुमानगढ़ जिले में सामूहिक दुष्कर्म और अश्लील वीडियो क्लिप बनाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने महिला पुलिस थाने में तीन आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता की रिपोर्ट तरसेम कुलविंदर गुरबाज नामक व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जैसलमेर जिले के लाठी थाना क्षेत्र के सोडाकोर गांव के पास टायर फटने से असंतुलित होकर श्रद्धालुओं की एक कार पलट गई। हादसे में एक श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस और हाईवे एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि घायलों को जैसलमेर चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। ये तीनों श्रद्धालु जैसलमेर के तनोट माता मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।